Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So before we start this video, make sure you subscribe to my channel and also hit the bell button for further notification. Now let's start. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके बालों से जुड़े हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेयर मास्क को बनाने के लिए ना आपको ज्यादा टाइम और ना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, मैंने नेक्स्ट लिया है कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैरासूट का ऑयल यूज़ किया है। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने घर पे बना हुआ एलोवेरा जेल यूज़ किया है। आप चाहे तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कर्ड, एंड हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स। चलिए अब इस हेयर मास्क को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड। हम इसमें डालेंगे फ्यू स्पूंस ऑफ एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल हमारे बालों को कंडीशन करने के साथ साथ हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। ये हमारे बालों को रूट से स्ट्रांग बनाएगा, जिससे हमारा हेयर फॉल काफ़ी हद तक प्रिवेंट होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई। फ्रेंड्स, विटामिन ई हमारे स्कैल्प को डीपली नरिश करता है। इसके साथ साथ ये हमारे बालों को काफ़ी हद तक सिल्की एंड स्मूथ बनाता है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हमारे डल एंड डैमेज हेयर को भी ट्रीट करेगा। इसके साथ साथ ये हमारे बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे इसमें मैंने ऐड किया है 1 स्पून हनी। हनी हमारे स्कैल्प को ट्रीट करेगा और हमारे बालों को कंडीशन करने का काम करेगा। अब नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है 1 स्पून कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है वो बहुत ही बेसिक और 100% नेचुरल है, जिससे हमारे बालों को कोई भी हार्म नहीं होगा। तो आप इस हेयर मास्क को ईजिली अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे बालों के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हमारे ड्राई हेयर को सिल्की एंड स्मूथ करेगा, हमारे स्कैल्प को नरिश करेगा और हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। इवन ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर का भी काम करेगा। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अब हमारा हेयर मास्क बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इस हेयर मास्क को हम अपने बालों पे अप्लाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। आप कभी भी अपने बालों पे किसी प्रकार का हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हो तो पहले आप अपने बालों को टैंगल फ्री कर लें, जिससे आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह मैंने अपने बालों को टैंगल फ्री कर लिया है कॉम की हेल्प से। अब हम अपने बालों पर इस मास्क को अप्लाई करेंगे। अब हम अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड, बालों के जो सेक्शंस लिए हैं उसमें इस हेयर मास्क को अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इंस में अच्छे से इस मास्क को अप्लाई किया है, बिकॉज जब हम अपने बालों पे हीट या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे हमारे इंस बहुत ड्राई एंड डैमेज होता है, इवन हमें स्प्लिटेंस को भी फेस करना पड़ता है। तो आप अपने इंस में इस हेयर मास्क को अच्छे से अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घर पे बना हुआ हेयर मास्क अपने बालों पे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आप अपने बालों में जो भी हीट प्रोडक्ट या केमिकल यूज़ कर रहे हैं उससे जो हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, इस हेयर मास्क को लगाने से हमारे बालों की हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसे अपने रूट्स पे अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। आप हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस हेयर मास्क को अपने रूट्स में अप्लाई करें। बेसिकली स्कैल्प में इस हेयर मास्क को लगाने का एक बेनिफिट ये भी होगा कि हेयर मास्क हमारे स्कैल्प में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे हमारे स्कैल्प को जो भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो उसे मिलेगा, जिससे हमारे बाल रूट से स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारे हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप इसे क्लचर या हेयर पिन के हेल्प से अपने बालों को सिक्योर कर लें। फ्रेंड्स, आप इस हेयर मास्क को अपने बालों पे आधे से एक घंटे तक एटलीस्ट लगा कर रखें। फिर आप प्लेन वाटर या शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कर लें। आप चाहे तो कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आफ्टर हेयर वॉश की क्लिप भी यहाँ पे ऐड कर दी है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए कितना इफेक्टिव है और इससे हमारे बाल कितने मैनेजेबल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।